Hey guys, Hare Krishna, good morning and welcome back to my channel. So guys, आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि आज है मेरा अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जो टेस्ट है तो इसलिए हम निकल चुके हैं सुबह सुबह क्योंकि आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, यानी कि जो बुआ सास है वो आने वाली है, तो मेरे साथ मेरे हबी है, सो वी आर गोइंग. तो आज का दिन कैसा जाता है वो देखने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए. सो गाइस, हम लोग जो है हॉस्पिटल पहुंच गए और आज का धूप देख सकते हैं, बहुत तेज़ धूप है यार, लेकिन हाँ मैंने सनस्क्रीन लगा रखा है. बाबू, आज क्या हो गया? कोई भी नहीं है. क्या हो गया? खाली खाली क्यों है? ऐसा ही होना चाहिए रोज, है ना? रोज ऐसे होना चाहिए. मज़ा आ रहा है यार आज. चलिए आप माता रानी का दर्शन कीजिए. हम अभी लिफ्ट में चढ़ गए, हमें जाना है बेसमेंट वन ना. खोलेगा दरवाजा. देखिए गाइस, यहाँ पे भी कोई नहीं है, खाली है साथ हर जगह. मज़ा आ रहा है आज. वहाँ जाना पड़ेगा पहले. खाली खाली सा है. कितना यहाँ पे शीश. अरे गिर गया बाबू. हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारी बारी कब आएगी. सोनोग्राफी होने वाली है आज, ये बहुत इम्पोर्टेंट वाला सोनोग्राफी है. देखते क्या होता है. आज का जो सोनोग्राफी वो बेबी के लिए है. बेबी का वेट चेक करेंगे, बेबी का ग्रोथ कैसा है, केजी कितना आया उस. इट्स 11:27. आज थोड़ा जल्दी आए क्योंकि जल्दी जाना है. देखते हैं हमारी बारी कब आती है. वी आर वेटिंग. बाय द वे, आज ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा. थोड़ा वॉकिंग कर रही हूँ क्योंकि आज तो वॉकिंग नहीं हो पाया. सुबह 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 चले आए तो मैं थोड़ा यहाँ पे वॉकिंग कर लेती हूँ, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट यू नो. वॉकिंग वॉकिंग. आज अच्छा नहीं लग रहा, मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है. सुन रहे हो? सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है. कोई नहीं, ठीक हो जाएगा. पानी दे दो, थोड़ा पानी दे दो. चना दे दो. तो मेरा सोनोग्राफी हो गया है, सब कुछ नॉर्मल है. रिपोर्ट्स तो अभी नहीं मिलेगा, किसी और दिन आके रिपोर्ट्स लेना पड़ेगा. वैसे एवरीथिंग इज नॉर्मल, मैंने डॉक्टर से पूछा तो सब कुछ नॉर्मल है, बेबी का ग्रोथ भी सही है. अभी घर जा रहा है. और टेस्ट था ना हीमोग्लोबिन का, अच्छे से चेक कर लो प्रेस्क्रिप्शन में. टेस्ट हो गया है अभी. रिपोर्ट्स अभी नहीं मिलेगा, आज तो हम रिपोर्ट्स नहीं ले सकते. देखते हैं, अभी दूसरे दिन आके लेना पड़ेगा. कैब की वेट कर रहे हैं, हमेशा कैब की वेट करते ही रहते हैं. कैब का वेट करते हुए मैं वॉकिंग कर रही हूँ, वॉकिंग जो कि बहुत ज़रूरी है ना इस टाइम पे.
सो ऑन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग आई एम गोना टेल यू कौन सा महीना चल रहा है, मैं ज़रूर रिवील करूँगी बस, लेकिन इस ब्लॉग में नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में रिवील करूँगी पक्का। तो देखिए गाइस, आज का धूप काफ़ी धूप तेज़ निकला हुआ है, फिर भी मैं चल रही हूँ बिकॉज मैंने प्रोटेक्शन लगा रखा है। अब वो कैब नहीं आया तो फिर क्या करें, क्या फ़ायदा है हॉस्पिटल में, ऑटो में आना पड़ता है, ऑटो में जाना पड़ता है। नहीं, आते वक्त तो कैब मिल जाता है, आते वक्त तो कैब मिल जाता है, जाते वक्त ऑटो से जाना पड़ता है, क्या करें। ये हम जिस जगह पे रहते हैं उसी का प्रॉब्लम है शायद, तो यहाँ के इलाका हमेशा यही प्रॉब्लम हो रहा है। कब कब से ढूंढ रहे हैं कैब, मिल ही नहीं रहा, ओला ऑटो बुलाना पड़ेगा। गाइस हमेशा यही दिक्कत हो, जाते वक्त यही दिक्कत होती है, हमेशा कैब जाते आते वक्त तो मिल जाता है, कैब जाते वक्त मिलता नहीं है। अब ऑटो भी कैंसिल कर रहे हैं, ओला ऑटो करे तो क्या करे, दिमाग करता ही बंदा। सो गाइस फाइनली हम एक ऑटो पे चढ़ गए जो कि लाइन पे रहती है, वो वाली ऑटो है, क्योंकि ओला ऑटो भी कैंसिल हो चुकी है, कोई मान ही नहीं रहा, यही दिक्कत है, और क्या कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है। सो चलिए अब घर चलते हैं। तो गाइस फाइनली घर आ गए ऑटो से, और कोई ऑप्शन है नहीं, बुआ लोग आ गए हैं शायद, यहाँ से आवाज़ सुनाई दे रही है, आवाज़ सुनाई दे रही है, देखिए घर आ, पिशी आ गई। आज आज खाएंगे सब मिलके खाना, लंच करेंगे। जो क्या टिप्स देना चाहते हो, बताओ। खाना तो मैं खा ही रही हूँ, खुश रहो, खुश रहो। मैं रहती हूँ, देखा नहीं मेरे ब्लॉग नहीं देखती क्या, देखती हूँ, हाँ नहीं देखती, हाँ समय निकाल के देखा करो, मेरी ऑडियंस के सामने वॉच लगा दिया। टीचर है गाइस, इसलिए थोड़ा सा बिजी रहती है, लेकिन क्या अभी क्या बोला था, हाँ खुश, खुश तो मैं रहती हूँ, खुश हमेशा रहती हूँ, जब से ब्लॉग कंटिन्यू करा है और भी एक्टिव और खुश। तो गाइस मैं अभी निकाल रही हूँ जूस बीट और गाजर के, और आप लोगों के साथ मिलाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये है कंचू, प्यारी सी कंचू, बुआ की बेटी है, बहुत प्यारी है। देखने में क्या लगता है, ये स्कूल में पढ़ती हुई लगता है ना, कॉलेज में सब कुछ ख़त्म कर रखा है इसने, ये जॉब कर रही है, हा? कितनी प्यारी है देखो कंचू। Hi guys, give lots of love to Rupali's activity. हाँ अब तो मुझे मिलेगा लव, मिलेगा मेरे ऑडियंस से। क्या कर रही हूँ, अभी मैं जूस बनाऊंगी गाजर और। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लंच कर रहे हैं सब लोग एक साथ बैठ के, और पिशी और पिशा भी बैठे हुए हैं साथ में, अच्छा लग रहा है सबको एक साथ देख के, है ना। हेलो चेहरा देख के लग रहा है खाना टेस्टी बनाया है दीदी ने, सब लोग खाना खा रहे हैं मेन रूम पे, अब हम लोग खाएंगे यहाँ कंचू के साथ। सो यहाँ पे आज की प्लेट आप लोग देख सकते हैं एस यूजुअल, और यहाँ जो है कंचू खाना खा रही है अंडा करी के साथ। तो चलिए आज का खाना शुरू करते हैं, दीदी भी आ रही है। मैंने बनाया, कैसा लगा? एकदम झकास, अंडा करी, दाल, अच्छा। आपको दाल बनाना भी नहीं आता और खाना बनाओगे मेरे जैसे, दाल दुनिया में कोई अदरक डाल के दाल पैदा नहीं हुआ ऐसे बना। गाइस हम लोगों का खाना भी हो गया, फिर थोड़ा नैप ले लिया, फिर गॉसिप किया, अभी हम जा रहे हैं स्नैक्स खाने। हल्दीराम से कुछ ऑर्डर किया है पिशी ने, मतलब बुआ ने, तो
हम लोग अभी खाएंगे स्नैक्स, चलिए मैं दिखाती हूँ। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम लोगों ने ऑलमोस्ट आधा खा के कंप्लीट कर लिया, मुझे रहा नहीं गया भूख के मारे। तो आज स्नैक्स में है आलू टिक्की एंड दैट वाज वेरी वेरी टेस्टी। गैस होगा इसलिए नहीं खा रहे हो, दही से नहीं, दही से गला। देखिए मेरा वाला तो पूरा कंप्लीट करके पूरा खाली कर दिया मैंने, बहुत टेस्टी लगा, लेकिन बहुत तीखा भी था, लेकिन इट वॉज वेरी टेस्टी। टेस्टी था? हाँ मिलेगा, हाँ मिलेगा ना, हल्दीराम तो टेस्टी होता है। अब बनाएंगे चाय सबके लिए, गर्मा गर्म चाय बनेगा। सो गाइज ओवरऑल आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बुआ लोग आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, हंसा रही है अभी बुआ तो। सो गाइज थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग पे। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर।